आज की क्लास में हम लोग अनुसंधान यानी कि शोध के उद्देश्यों की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। तो पहले ही ऑलरेडी हम लोगों ने अर्थ, प्रकार, परिभाषा इत्यादि जो है वो पढ़ लिया है। अब हम उद्देश्यों को जानने का प्रयास करेंगे कि किन उद्देश्यों के आधार पे जो है हम अनुसंधान का कार्य करते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, हर एक कार्य का जो है एक निश्चित ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक निश्चित उद्देश्य होता है। और जब उद्देश्यों का निर्धारण करके हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रमिक होता है, और क्रमिक होने के साथ साथ जो परिणाम उसमें एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उस एक्सपेक्टेड परिणाम की तरफ जो है हम लोग क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। अगर हम शोध कार्यों की बात करें तो हमारे शोध कार्यों में जो अनुसंधान के उद्देश्य हैं वो चार उद्देश्य जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं, या चार उद्देश्य जो है इसके होते हैं। कौन कौन से, ये एक बार हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला उद्देश्य होता है उसे हम कहते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य। जो दूसरा है उसे हम कहते हैं तथ्यात्मक उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य होता है सत्यात्मक, सत्यात्मक उद्देश्य। और चौथा उद्देश्य जो होता है उसे हम कहते हैं प्रायोगिक उद्देश्य, प्रायोगिक या प्रायोगिक उद्देश्य जो है हम लोग इसको कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सैद्धांतिक उद्देश्य मतलब थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, तथ्यात्मक उद्देश्य मतलब फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव, सत्यात्मक उद्देश्य मतलब ट्रूथफुल ऑब्जेक्टिव, और प्रायोगिक उद्देश्य, प्रायोगिक उद्देश्य मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे सामने जो है, हमारे पास चार तरह के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आ गए। चार भागों में जो है हम लोगों ने शोध के उद्देश्यों को विभाजित किया। इन चार उद्देश्यों पर जो है हमारा जो शोध का कार्य है वो पूरा का पूरा फोकस होता है, या शोध के कार्यों को हम लोग इस पे फोकस होकर के करते हैं। तो हम एक-एक उद्देश्य को जो है वो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से उद्देश्य किस तरीके से क्रियाशील होते हैं और उनका उपयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सैद्धांतिक उद्देश्य पे। सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होते हैं? सिद्धांत बेसिकली क्या होते हैं, आप इसको मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है सैद्धांतिक उद्देश्य, यानी कि हम यहाँ पे सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, थ्योरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिद्धांतों यानी कि थ्योरीज की बात कर रहे हैं। तो अब ये सिद्धांत क्या होते हैं, ये थ्योरीज क्या होती हैं, और किस तरीके से जो है हम लोग इसको अपने शोध कार्यों के लिए उद्देश्यों के रूप में लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जानते हैं। और इसको जानने के लिए हम कुछ एकाध जो है अपने इर्द गिर्द घट रही घटनाओं, या जो हम व्यवहारिक रूप से जो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम लोग उसको लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक बिल्कुल साधारण सी बात है। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और छात्र के रूप में जो है आप बैठे हुए हैं कहीं पे, और आपको अचानक से लगता है कि मुझे प्यास लगी है। ठीक है, तो जो प्यास लगी है आपको अचानक से फील होता है, और फील हो करके आप रियलाइज करते हैं कि काश मुझे पानी मिल जाता। तो प्यास लगी है और काश मुझे पानी मिल जाता, ये क्या है? ये आपकी एक थिंकिंग है, यानी कि ये एक सोच है। तो सिद्धांत के लिए सोच अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। अब ये जो हमारी सोच होती है,
ये सोच दो तरीके की हो सकती है। एक आधारित सोच हो सकती है और एक बिना आधार के सोच हो सकती है। ठीक है, आपको प्यास लगी, आपको ये फील हुआ कि मुझे पानी पीना चाहिए, तो पानी पीना चाहिए ये तो आधारित सोच हो गया आपका। क्यों? क्योंकि जल को आपने क्या बनाया? आधार बनाया अपनी प्यास के लिए। लेकिन मुझे प्यास लगी है, काश मुझे कुछ पीने को मिल जाता। ठीक है, मुझे प्यास लगी है, काश मुझे कुछ भी पीने को मिल जाता और मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता, या गला गला जो है वो थोड़ा सा मैं इसको गीला कर लेता, या जो गले की मेरी खराश है वो थोड़ी सी हट जाती। इस तरीके की जब हम सोच रखते हैं तो ये क्या है, हमारा गला तो सूख रहा है, हमें उसके लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए ये हमें पता नहीं है। यानी कि बिना आधार के जो है हमारी वो सोच हो गई। तो ये क्या हो गया, जो थिंकिंग है हमारा, ये आधार और बिना आधार, ये दो तरीके की हो जाती है। जिस समय हम लोग जो है वो आधार बना लेते हैं, यानी कि अपनी सोच के लिए एक आधार हम लोग तय कर लेते हैं, तो उसे हम कल्पना का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन। कल्पना का नाम देते हैं। सिद्धांतों में हम क्या करते हैं, हम कुछ सोचते हैं, चूंकि ह्यूमन नेचर है हमारा, मानवीय प्रवृत्ति, आपको पता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हमेशा जो है वो सोचते ही रहती है। तो उस सोच को जब हम लोग आधार देते हैं, यानी कि ये जो आधारित सोच है, जब हम इसको जो है वो आगे कुछ क्रियाओं के अनुरूप जो है वो सोचने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ कल्पनाएं करते हैं। ठीक है, जब हम अपने आधारित सोच के अनुसार कल्पना करते हैं, तो इसी कल्पना से जो हमारी आधारित सोच के ऊपर हमारी कल्पना है, यहां से संकल्पना का जन्म होता है। संकल्पना बोले तो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से विकसित होता है। हमारा जो आधारित सोच होता है, यानी कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भी तथ्य को लेकर के जब हम उसके बेस के ऊपर जो है कुछ सोचते हैं, सोच करके उनकी कुछ कल्पनाएं करते हैं, तो वो जो आधार, तथ्य परक आधार है और कल्पना है, इन दोनों को मिक्स करके जो हम फर्दर कल्पना करते हैं, उसे ही हम संकल्पना या कॉन्सेप्ट नाम देते हैं। ये जो संकल्पना होती है वो कुछ भी हो सकती है। हम यहाँ मानते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए ए है। ठीक है, ए संकल्पना जो है हमारे पास आई। अब ये जो ए संकल्पना है, इस संकल्पना को सोचने वाले या इस संकल्पना को जानने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ, एक्स वाई जेड ए। ठीक है, ये चार लोग जो है वो हो सकते हैं इस संकल्पना के अनुसार जो है अपनी क्रियाओं को करने वाले। तो इस संकल्पना के अनुसार जो है वो क्रियाओं को करने वाले, ये जो एक्स वाई जेड और ए हैं, जब ये अपने क्रिया विधि को संपूर्ण करते हैं, संपूर्ण करने के पश्चात ये क्या करते हैं, ये लॉजिक्स देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कुछ लॉजिक, यानी कि कुछ जो है वो तथ्यों को देते हैं। अब ये जो लॉजिक होता है, ये लॉजिक जो है हर जगह पे, हर लेवल पे क्या किया जाता है, आंकलित किया जाता है। ठीक है ना, इस लॉजिक को जो है हर तरीके से जो है वो आंकलित किया जाता है। और आंकलन के पश्चात मान लीजिए एक्स का लॉजिक जो है वो आंकलित किया गया और इसको 5 मिले, वाई का लॉजिक आंकलित किया गया इसको 4 मिले, जेड का जो है वो लॉजिक आंकलित किया गया इसको 1 ही मिला, और ए को जो है वो आंकलित किया गया इसको 3 मिले। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे टॉप जो आंकलन है वो क्या है, जो नंबर है वो किसको मिला, एक्स को मिला। तो इस तरीके से जो है ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सामने जो लोग हैं वो अपनी जो है संकल्पनाओं को सिद्ध करते हैं, लॉजिकल वे में सिद्ध करते हैं, और उनको जांचने वाले जो है उनको जांचते हैं। और जिस तरीके से सर्वाधिक अंकों के साथ, सर्वाधिक रेटिंग्स के साथ, या सर्वाधिक पसंद करने के हिसाब से, या सर्वाधिक व्यवहार में लेने के हिसाब से, इनके इस तरीके के लॉजिक्स को जो है वो सर्वोपरि, मध्यम या निम्न स्तर पर रखा
जाता है। इन्हीं लॉजिक्स के हिसाब से, जब ये लॉजिक्स हमारे पास आ जाती हैं, तो इन्हीं लॉजिक्स के हिसाब से परिकल्पनाओं का जन्म होता है। परिकल्पनाओं, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का जन्म होता है, परिकल्पनाओं का जन्म होता है, और इन्हीं परिकल्पनाओं के हिसाब से जो है वो सिद्धांत दिए जाते हैं या प्रतिपादित किए जाते हैं, कोई थ्योरी जो है वो प्रतिपादित की जाती है। तो कहां से हम शुरू हुए? हम शुरू हुए सिद्धांत से, और हम आकर के समाप्त हुए कहां पर? सिद्धांत पर। तो ये एक चक्र है, ये चक्र जो है वो चलता रहता है। अब मूल तथ्य जो है, इंपॉर्टेंट तथ्य आप देखिए, हम यहाँ पर सिद्धांत पर आ करके जो है अपने शोध कार्यों में जो है इसको एक एंडिंग या फिर फिनिशिंग लाइन जो है वो टच करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है? ये सिद्धांत कभी भी फिक्स नहीं रहता है, समय एवं परिस्थिति के अनुरूप यह परिवर्तनशील है। ठीक है ना, जो भी सिद्धांत हमारे पास आ जाते हैं, वो सिद्धांत जरूरी नहीं कि हमेशा जो है वो उसी लेवल पे उसी तरीके से फिक्स रहे, उन पर किसी भी तरीके की क्रिया न की जाए। नहीं, अगर समय आता है, अगर परिस्थितियां अलाउ करती हैं और कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज होती हैं, तो हम उन सिद्धांतों पे वापस से क्रिया कर सकते हैं, उन पे कार्य कर सकते हैं, और उस सिद्धांत को जो है वापस से जो है वो दूसरे तरीके से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे चेंजिंग पैराडाइम्स जो होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील जो पैराडाइम्स होते हैं, वो क्रियाशील होते हैं, और सिद्धांत हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल लीजिए, प्राचीन समय की हम लोग बात करें, 1950 की अगर आप इकोनॉमी जो है भारत की इकोनॉमी को देखने का प्रयास करें, तो वो कुछ और थी। हम 90 के दशक में आते हैं तो कुछ और हुआ, और आज अगर हम लोग अपने 2020 में अगर उस इकोनॉमिक स्टेटस को देखने का प्रयास करें, तो आज कुछ और है। ठीक उसी तरीके से हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, और अगर हम लोग जो है 10 साल से नीचे के विद्यार्थियों की बात करते हैं, शिक्षित 10 साल से नीचे के बच्चों की बात करते हैं कि कितने बच्चे जो है वो शिक्षित हैं और कौन से स्टैंडर्ड तक जो है वो पहुंचे हैं, तो उस समय की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और थी। तो ये परिवर्तनशीलता जो है हमारे एनवायरमेंट के अंदर बनी हुई है। किसके अनुसार बनी हुई है? हमारी परिस्थितियों के अनुसार और हमारे समय के अनुसार। तो समय, कार्य और परिस्थितियों के अनुसार ये क्या है? समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि सिद्धांत होते क्या हैं। अब इन्हीं सिद्धांतों पे जो है हमारा जो यही जो हमारा सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे बेस्ड हमारा जो है सैद्धांतिक उद्देश्य है, जो कि अनुसंधान के अंदर हम लोग प्रयोग में लेते हैं। एक बार और मैं आपको समझाऊं सिद्धांत होता क्या है। सिद्धांत ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी जो है थिंकिंग होती है, हमारी अपनी सोच होती है। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप बैठ करके अपना किसी भी तरीके का असाइनमेंट वर्क पूरा कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं मान लीजिए, और लिखते लिखते जो है आप अचानक बैठे हुए हैं, लिखते समय आप जो है कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे किस तरीके से जो है वो 100 लोगों को बिठा करके उनके बीच में इंटरव्यू कराना है, और किस तरीके से मुझे क्या क्या व्यवस्थाएं रखनी होंगी, मैं उनको यू शेप में बिठाऊं, मैं उनको सर्किल में बिठाऊं, मैं उनके लिए बेंचेस लगवाऊं, चेयर्स लगवाऊं, मैं उनके लिए पांडाल बनवाऊं, पर्टिकुलर टेंट लगवाऊं। तो बहुत सारी चीजें आपको जो है उस अपने कार्य के प्रति आप बैठ करके इमेजिन कर रहे हैं, और वो इमेजिन करते करते आपके कोई रिलेटिव, मान लीजिए सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी आते हैं और अचानक से आपके सिर पे हाथ फिरते हैं, पीठ पे हाथ फिरते हैं कि अरे क्या हो रहा है, और आप बिल्कुल अचानक से ऐसे हो जाते हैं कि अरे, तो क्या है ये जो है आप सोच रहे थे उस समय से, उस समय पे दिस इज योर थिंकिंग, आप उस समय पे क्या कर रहे थे, सिंपली सोच रहे थे। अब
उसी सोच को यदि आप आधार बना लेते हैं, यानी कि आपने सोचा कि आप एक पांडाल लगवाएं, आपने सोचा कि हाफ सर्किल में लोगों को बैठाएं, आपने सोचा कि एक सर्किल बना करके लोगों को बिठाएं, आपने ये सोचा कि मैं घर घर जा करके लोगों को मेल ही कर दूं इस कार्य के प्रति और लोग मेल की रिप्लाई मेल पे ही दे दें, तो जो आपकी इमेजिनेशन उस समय पे चल रही थी, अगर आप उसमें से किसी भी तरीके का कोई एक आधार चूज कर लेते हैं और उनके ऊपर कार्य करने का जो है वो प्रयास करते हैं, तो ये सोच जो है आपको इमेजिनेशन में ले जाती है, और इमेजिनेशन और सोच को जब आप कोऑर्डिनेट करते हैं और जब कार्य करने की आप सोचते हैं, तो वहां पे आप जो है क्या कर रहे हैं, एक संकल्पना को जन्म दे रहे हैं, वहां पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, और ये कॉन्सेप्ट जो है आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो कार्य कर रहे हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट खोज रहे हैं, कोई एक संकल्पना जो है आप अपना रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि उस संकल्पना को अपनाने वाले केवल आप ही हैं। अगर आपने सोचा कि मैं सर्किल में जो है लोगों को बिठा करके और लोगों को एक्सप्लेन करूं और लोग बैठ करके सुने, मैं एक लेक्चर दूं और लोग जो है वो बैठ करके सुने, तो यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन कि आप इस तरीके का कार्य करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते होंगे। तो ये जो संकल्पना आपने जो चुना है, वो संकल्पना जरूरी नहीं है कि किसी और ने कभी यूज नहीं की हो, कोई और भी उसको यूज कर सकता है। तो उस संकल्पना के आधार पर बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, उस संकल्पना पे बहुत सारे लोग जो है वो क्रियाशील होंगे, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। तो अपने को क्या करना है कि हम कर रहे हैं और दूसरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक ही संकल्पना पे अगर 4 लोग 5 लोग 10 लोग 100 लोग अगर कार्य कर रहे हैं, तो उसका इवेल्युएशन भी तो होगा ना, मूल्यांकन भी तो होगा। जब मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन में आपको भी पता है कि सारे के सारे जो है वो 10 में से 10 लाने वाले नहीं हो सकते हैं, कुछ 10 में से 10 ला सकते हैं, कुछ 10 में से 2 ला सकते हैं, कुछ 10 में से 5 ला सकते हैं, कुछ 10 में से 9 ला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के आधार पे जो है वो कुछ लॉजिक्स निकलती हैं लोगों की, और वो लॉजिक्स कहीं ना कहीं परिकल्पनाओं में यानी कि हाइपोथेसिस में कन्वर्ट होते हैं, और यही हाइपोथेसिस फिर हमें सैद्धांतिक रूप प्रदान करते हैं, और इसी सिद्धांत के ऊपर अगेन हम क्या करते हैं, अपने शोध के कार्यों को आगे करते हैं। एक सिद्धांत हो चुका तो जो दूसरा आएगा उसी तरीके के कोई सिद्धांत लेगा और उस पे फिर वापस जो है वो कार्य अपना करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है फिक्स नहीं है, ये परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं कि जो सिद्धांत दे दिया गया वही सिद्धांत हमेशा रहेगा। समय, परिस्थिति और कार्यों के अनुसार अगर सिचुएशंस अलाउ करती है कि नहीं अब की सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, तो यस उसी विषय वस्तु के ऊपर जो है वापस से उसी सिद्धांत के ऊपर शोध का कार्य किया जा सकता है और दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित किया जा सकता है। तो ये तो हमने पूरा का पूरा जो है थोड़ा सा सिद्धांत को समझने का प्रयास किया कि सिद्धांत बेसिकली है क्या, सिद्धांत हम कहते किसे हैं, और सिद्धांत का प्रयोग जो है वो है क्या हमारे अनुसंधान में। अब हम लोग आते हैं हमारा जो मूल टॉपिक है या जिस टॉपिक में हम लोग चल रहे थे कि हमारे अनुसंधान के उद्देश्यों में जो सैद्धांतिक उद्देश्य हैं वो क्या होते हैं। तो सैद्धांतिक उद्देश्यों की जब हम बात करें, जब हम अनुसंधान की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे तथ्य ऐसे हमारे सामने आते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, जिसको किया जा चुका है और जिसको हमें बहुत डिटेल में करना है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं सैद्धांतिक उद्देश्यों की, तो यहाँ हम प्रयोगात्मक अनुसंधान की बात करते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान की जो है वो बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग करेंगे, करके देखेंगे। ऑलरेडी जो हमारे पास सिद्धांत है उसमें हम लोग जो है जो क्रियाएं हैं वो करके देखेंगे, हम किसी को समझ करके केवल अपना जो है कंक्लूजन नहीं देंगे, हम काफी डिटेल में जो है उसकी क्रियाविधि को समझने का प्रयास करेंगे, क्या था, क्या हो सकता है, कैसे सिचुएशन बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, प्रयोगात्मक अनुसंधान का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और जब हम इस तरीके के अनुसंधान को प्रयोग में लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम करने का क्या प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हम चरों की उपयोगिता को जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं, चरों की उपयोगिता को सुनिश्चित करना, ना सिर्फ सुनिश्चित करना
बल्कि शरों में सहसंबंधता स्थापित करना। ये सभी कार्य हम किसमें कर रहे हैं? हम सैद्धांतिक उद्देश्यों के अंतर्गत कर रहे हैं। हम कोई भी कार्य इत्मीनान से करेंगे, हम डिटेल में करेंगे, थेरेटिकल वे में करेंगे, यानी कि हमारे सामने जो साक्ष्य हैं हम उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम उन्हें भी अपनाएंगे। और हमारे सामने किस तरीके के साक्ष्य हैं, हमें क्या इकट्ठा करना है, हमें क्या किस तरीके से उसको व्यवस्थित करना है और कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, क्या है, ये सारी की सारी डिटेल जो है हमारे इस सैद्धांतिक उद्देश्य को फुलफिल करती है। देन सैद्धांतिक उद्देश्यों के बाद हम आते हैं तथ्यात्मक उद्देश्यों में, यानी कि फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स। जब हम इन उद्देश्यों की बात करते हैं तो इन्हीं उद्देश्यों से हमें वर्तमान की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, फैक्चुअल तथ्यात्मक उद्देश्यों की बात है। जैसे हमने यहाँ पे सैद्धांतिक उद्देश्यों की बात की तो हम कुछ थ्योरीज ऑलरेडी हमारे पास हैं और जो हमने अपना हाइपोथेसिस डेवलप किया है हम उनको कोरिलेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनके साथ और बहुत डिटेल में जो है उनके ऊपर जा रहे हैं। हम उसमें चरों की भी बात कर रहे हैं, हम उनमें क्रमबद्धता की भी बात कर रहे हैं, हम उन्हें उनको स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वहां से हम तथ्यात्मक उद्देश्यों की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी कि जो हमारे फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो एक्चुअली रियल में कौन सी घटनाएं हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशंस में जो हमारे घटनाएं घट रही हैं, हमारे शोध के कार्यों को उनके साथ जोड़ती हैं और उनके साथ जोड़ करके जब हम उसको आगे लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा शोध का कार्य होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वातावरणीय परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का हमारे पास रिसोर्स होता है उन रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तीसरा हम आते हैं सत्यात्मक उद्देश्य, यानी कि ट्रुथफुल ऑब्जेक्टिव। जब हम सत्यात्मक उद्देश्यों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने शोध कार्यों को किससे जोड़ते हैं, हम प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, शोध कार्यों को प्रकृति यानी कि नेचर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरीके के जो हमारे सत्यात्मक उद्देश्य हैं वो हमें कुछ एक विषयों में बहुत डिटेल में देखने को मिलता है, जैसे दर्शन शास्त्र। अगर आप फिलॉसफी में जाएं तो वहां पे जो किसी विषय पे शोध किया जाता है तो किसी विषय पे शोध करने के लिए ये जो सत्यात्मक उद्देश्य हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ऊपर होते हैं, इनके ऊपर खासा ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा विषय होता है, विषय या समस्या जो हमने अनुसंधान के लिए आइडेंटिफाई किया हुआ है वो हम बिल्कुल एक सत्यात्मकता के रूप में लेंगे, जो प्राकृतिक हमारा परिवेश है उस परिवेश के अकॉर्डिंग लेंगे और हमारे शोध का संपूर्ण कार्य भी जो है उसी परिवेश के अंतर्गत होगा। जब हम बात करते हैं प्रायोगिक उद्देश्यों की, यानी कि प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स की, निष्कर्षों के व्यवहारिक पक्ष को समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे निष्कर्ष आते हैं, जो भी हमारा परिणाम आता है हमारे अनुसंधान कार्यों के पश्चात, उस परिणाम का जो व्यवहारिक तथ्य है, यानी कि प्रैक्टिकली हम उसको किस तरीके से प्रयोग में लेंगे, इस पर्टिकुलर तथ्य को जो है हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं और ये हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में ही बोला था कि अनुसंधान जो हम लोग करते हैं तो उसका सर्वोपरि यानी कि सर्वप्रथम उद्देश्य या सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि उससे जो निष्कर्ष या उससे जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं
वो कहीं ना कहीं लोगों के ज्ञान में वृद्धि करे, उनके ज्ञान का विकास करे। तो जब हम ज्ञान के वृद्धि और ज्ञान के विकास की बातें करते हैं और हम अपने देश के विकास की या लोगों के विकास की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम व्यवहारिक रूप में उनको प्रैक्टिकली जो है वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे शोध कार्यों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष से प्राप्त जो आपका प्रतिफल है, परिणाम है, जो आपकी प्रतिपादन है, अगर वो कहीं पे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, अगर उससे किसी भी तरीके के ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है, तो इस तरीके के आपके शोध कार्यों के निष्कर्ष जो है किसी काम के नहीं होते हैं। शोध कार्यों से उत्पन्न निष्कर्ष या परिणाम जो है हमेशा यूजफुल होने चाहिए, दूसरों के लिए लाभदायक होने चाहिए और उनका प्रयोग करके लोगों को सहायता मिले और लोगों का भला हो, इस प्रकार का होना चाहिए और साथ ही साथ ज्ञान में वृद्धि करने वाला भी होना चाहिए। तो ये चार उद्देश्य जो है हमारे शोध कार्यों के बताए गए हैं। पहला उद्देश्य जो है वो सैद्धांतिक उद्देश्य है, जिसे हम थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसमें इस उद्देश्यों के अंतर्गत जितने भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये सारे डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि व्याख्यात्मक होते हैं। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में जो है ये सारे जितने भी अनुसंधान के वर्क हैं, इन उद्देश्यों के अंतर्गत जो है आपको पूरित करने होते हैं। दूसरा उद्देश्य, हम लोगों ने तथ्यात्मक उद्देश्यों की बातें की, यानी कि फैक्चुअल हमारे सामने ऑब्जेक्टिव, जो भी कार्य हम करें हमारी सारी की सारी क्रियाएं जो है वो फैक्ट आधारित, यानी कि वर्तमान के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग शोध कार्य को करेंगे। तीसरा जो है सत्यात्मक उद्देश्य, यानी कि ट्रुथफुल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे सारे उद्देश्यों का जो क्रिया कलाप है या जो सारे उद्देश्यों की क्रिया विधि है वो कहीं ना कहीं सत्यता पे आधारित होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्राकृतिक होनी चाहिए, नेचर फ्रेंडली होनी चाहिए, नेचर के अनुरूप होनी चाहिए। और चौथा हमने बात की प्रायोगिक उद्देश्य, यानी कि प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स। हम जो भी अनुसंधान का कार्य करें, अनुसंधान कार्यों के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जो परिणाम प्राप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक होने चाहिए और वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करने वाला होना चाहिए, लोग उसको प्रयोग में ले सके, इस तरीके का निष्कर्ष होना चाहिए। तो ये चार उद्देश्य हैं। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है, थोड़ा जितना आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा लिखने जैसा और कुछ कहानी सुनाने जैसा नहीं है, ये समझने का जो है टॉपिक है। जितना आप इसको समझ पाएंगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। तो अभी जो है ये जो उद्देश्य मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन उद्देश्यों से रिलेटेड कुछ एकाध क्वेश्चंस जो है हम लोग कर लेते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल साधारण सिंपल ही क्वेश्चन जो है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक परिकल्पना होती है ए, अस्थाई समाधान बी, एक अग्रेषण व्याख्या सी, एक सुविचारित व्याख्या और डी, उपयुक्त सभी। ये प्रश्न हमारे सामने आया। प्रश्न है, एक परिकल्पना होती है, परिकल्पना मीन्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एक हम लोग जो है वो ऑप्शंस को जो है समझने का प्रयास करेंगे। अस्थाई समाधान यानी कि टेम्परेरी सोल्यूशन जो है वो इसको बताया गया है कि परिकल्पना जो है वो टेम्परली एक सोल्यूशन है, यानी कि अस्थाई समाधान है। तो अगर हम लोग इसको देखने का प्रयास करें तो ये तथ्य जो है वो सही है। क्यों?
क्योंकि अस्थायी समाधान हमारा जो शोध कार्य है उसके अंदर जो हाइपोथेसिस हम डेवलप कर रहे हैं या जो परिकल्पनाएं हम डेवलप कर रहे हैं वो हमारा स्थायी नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है। उस परिकल्पना के द्वारा यानी कि उस हाइपोथेसिस के द्वारा जो निष्कर्ष हमारे पास आ रहा है वो निष्कर्ष या जो सिद्धांत हम लोग प्रतिपादित करेंगे वो जो है स्थायी होगा, बट हाइपोथेसिस की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, अस्थायी है। तो ठीक है, ये सही है। एक अग्रेषण व्याख्या, यस, अग्रेषण, अग्रेषण का मतलब होता है आगे आने वाली या आगे की क्रियाओं वाली, तो आगे करने वाली, हमें आगे ले जाने वाली, तो इस तरीके की क्या है, ये एक व्याख्या है। तो ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो आगे हमें क्रियाएं जो हम लोग करेंगे उसके लिए एक व्याख्या प्रस्तुत करती है। एक सुविचारित व्याख्या, यस, हम लोग काफी इसके ऊपर जो है वो मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, जो हमने विषय लिया है विषय को परिभाषित करने के पश्चात ही जो है हम हाइपोथेसिस को जो है वो तैयार करते हैं या हाइपोथेसिस रेडी करने का प्रयास करते हैं या परिकल्पनाएं करते हैं। तो ये क्या है, ये सुविचारित है, यानी कि बहुत चिंतन मनन के साथ हम लोगों ने जो है इस पे कार्य किया है, परिकल्पनाओं को तैयार किया है, तो ये सुविचारित है। तो एक परिकल्पना होती है, ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है, तो यहाँ पे तीनों ही अगर सही है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त, सभी सभी क्या है, सही है। अब देखिए ये प्रश्न हमारे सामने था, अब इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जो ऑप्शन है डी है, हमने अभी उपयुक्त जो है सभी लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस प्रश्न में कर दूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो अब इस सिचुएशन में हमारा उत्तर क्या होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं, आपको प्रयास तो हर लेवल पे करना होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपकी हर लेवल पे होनी चाहिए। अब आइए अब उसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। एक परिकल्पना होती है, परिकल्पना होती है, अब अगेन हम आते हैं तो अस्थायी समाधान सही आ रहा था हमारा, एक अग्रेषण व्याख्या ये भी सही आ रहा था हमारा, एक सुविचारित व्याख्या ये भी सही है। अगर परिकल्पना के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हाइपोथेसिस के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो करेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। चौथा पॉइंट आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये तो वैसे ही आउट है, क्योंकि पहले के तीन जो है वो करेक्ट हो ही रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चार में से एक ऑप्शन से हमारे को छुटकारा मिला। अब हमारी लड़ाई इन तीन ऑप्शंस में से है कि हम इन तीन में से चयन तो एक का ही करना है, तीनों का तो करना नहीं है। भाई पहले वाला जो मैंने लिखा था उसमें तो उपयुक्त सभी हमने कर दिया क्योंकि तीनों सही थे, अब यहाँ पे हमें तीनों में से कोई एक चुनना है। तीनों ही सत्य हैं, लेकिन इस सत्य में यानी कि ये जो हमारे सामने तथ्य है, इस तथ्य में से हमें बेस्ट जो हमारे लिए हमारे इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके लिए क्या सटीक है या परफेक्ट क्या है, हमें उसको चयनित करना है, हमें उसको चुनना है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, वापस से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि तीनों पॉइंट एक्चुअली कह क्या रहे हैं, किसके संदर्भ में, परिकल्पना के संदर्भ में। तो परिकल्पना के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि अस्थाई समाधान है, एक बार पुनः हम लेकर के चलेंगे, अस्थाई समाधान है ये सत्य है। दूसरा हम आते हैं एक अग्रेषण व्याख्या है ये सत्य है, तो क्या इससे ये जो है वो वेटेज लिए हुए है या ये इससे इंपॉर्टेंट है या ये इससे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अस्थाई समाधान के आगे एक अग्रण व्याख्या को देखते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अस्थाई समाधान ज्यादा वेटेज वाला है, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी है। अगर हम अस्थाई समाधान को अग्रेषण व्याख्या के लिए देखें उससे कंपेयर करें, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वेटेज अगेन जो है इसको मिलता है। तो अब ये वाला जो तथ्य है यानी कि जो बी ऑप्शन है, हमने इन दोनों को जो है दोनों लेवल पे कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के पश्चात जो है हम इसको थोड़ा सा आउट कर रहे हैं और इसमें से इन दोनों में से हम किसको ले रहे हैं, ए को जो है एक बार होल्ड पे कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से हमने ए को चुन लिया। अब हम सी ऑप्शन में आते हैं, एक सुविचारित व्याख्या,
एक सुविचारित व्याख्या, यानी कि हमने बहुत इसके ऊपर विचार किया है। सुविचारित का मतलब है कि हमने क्रमबद्ध रूप से इसको विचार किया है, हमने सिंक्रोनाइज्ड वे में जो है इसकी थिंकिंग की है, देन उसके बाद जो है हमने परिकल्पनाओं को जन्म दिया है या परिकल्पनाओं को अपनाया है। तो एक सुविचारित व्याख्या, जब हम इस तथ्य को लेते हैं और इसको फिर हम इसके साथ जब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए सुविचारित जो व्याख्या है, जब हम विचार ही कर रहे हैं तो विचार के अंदर ही ये समाहित हो गया कि ये अस्थाई है, ये स्थाई नहीं रहने वाला है। आगे चल के जब निष्कर्ष हमें प्राप्त होगा तो ये जो परिकल्पना है ये हमारी जो है वो समाप्त हो जाएंगी। निष्कर्ष यानी कि परिणाम पे ही हम लोग फोकस रह जाएंगे, परिकल्पनाएं जो है वो कभी भी नहीं कही जाएंगी कि परिकल्पनाएं या हमारा हाइपोथेसिस क्या था, निष्कर्ष क्या रहा, प्रतिपादन क्या हुआ, परिणाम क्या मिला, यही जो है वो शोध कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो परिकल्पना होती है, परिकल्पना जो है एक सुविचारित जो है वो व्याख्या होती है जिसके अंदर ये हमारा अस्थाई समाधान भी समाहित हो जाएगा और एक अग्रेषण व्याख्या भी जो है वो समाहित हो जाएगी। तो अगर हम लोग इस तरीके के एनालिसिस अपने प्रश्नों के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग अपने उत्तर के तरफ जो है वो अपने आप को अग्रसर करेंगे, और अगर हम इस तरीके से एनालिसिस करना नहीं सीख पाएंगे तो हमें जो है वो ऑप्शंस को चूज करने में जो है वो परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब आप उत्तर देने बैठते हैं तो ये आपको जो है वो बहुत टफ लगने लगते हैं, क्योंकि आप इसको व्याख्यात नहीं कर पाते हैं, आप इनका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, आप इनको जो है समझ नहीं पाते हैं, इनके कोर में नहीं जा पाते हैं। तो एक परिकल्पना क्या होती है, एक सुविचारित व्याख्या होती है जिसके अंतर्गत अग्रेषण व्याख्या भी समाहित है, अस्थायी समाधान भी समाहित है, और ये तो वैसे ही पहले ऑप्शन में हमने हटा दिया था, यानी कि जब हमने एनालिसिस किया था तो हमें जो ऑप्शन चूज करने थे उस लाइन से हमने इसको हटा दिया था। तो ये हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हुआ। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को इजी रहेगा समझने में। क्वेश्चन है, शोध के सारांश को कहा जाता है ए नक्शा बनाना, बी अंतिम रूपरेखा देना, सी समस्या का मूल, और डी इनमें से सभी। ठीक है, ये प्रश्न हमारे सामने आया, इस प्रश्न को अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। शोध के सारांश को कहा जाता है, जो हम लोग शोध कार्य करते हैं, जो हम लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं उसका जो सारांश होता है, यानी कि जो उसकी समरी होती है, उस सारांश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आया हमारे सामने नक्शा बनाना, जो शोध का सारांश होता है उसका हम नक्शा बनाते हैं। ठीक है, नक्शा बना दिया हमने, खाका बना दिया, नक्शा बना दिया। अंतिम रूपरेखा देना, जो शोध कार्य है उसका जब हम लोग सारांश दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक अंतिम रूपरेखा भी प्रदान कर रहे हैं। समस्या का मूल, यानी कि जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है उस प्रॉब्लम की क्या है, ये जड़ है, तो हम उसको सारांश के रूप में दे रहे हैं। और लास्ट है इनमें से सभी, तो जब ये तीनों सत्य हो रहे हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसी प्रश्न में अगेन हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की कोशिश करते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा प्रश्न हो गया जो आपने आसानी से कर लिया, यहाँ पे फिर से वापस से थोड़ा सा मैं आपको झेला देती हूँ, मैं भी झेल लेती हूँ। इनमें से कोई नहीं, चलो इनमें से कोई नहीं
अभी हमने देखा कि शोध के सारांश को कहा जाता है, हमने नक्शा बनाने को भी सही कहा, हमने अंतिम रूपरेखा को भी सही कहा और हमने समस्या के मूल को भी सही कहा। तो अब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हमारे सामने आया है, तो वापस से हमें इस प्रश्न के अंदर जो है तीनों ही हमारे ऑप्शंस को जो है वो इसके एनालिसिस की जरूरत है, इसका एक जो हमारा विश्लेषण है उसकी आवश्यकता है। तो जो चौथा पॉइंट है ये तो हमारे कट गया, क्यों? क्योंकि तीन पॉइंट ऑलरेडी हमारे करेक्ट हो रहे हैं। अब इनमें से चलो हमें बेस्ट खोजना है, अब इनमें से हम अपना बेस्ट जो है अपने ऑप्शन कौन से ऑप्शन को चुने जो कमीशन जो है उसको बेस्ट माने या कमीशन के ऑप्शन से जो है हमारा ऑप्शन मैच करे। तो नक्शा बनाना, अगर हम नक्शा नहीं भी बनाएंगे, अगर हम लोग सारांश के अंदर नक्शा नहीं भी बनाएंगे तो भी हम सारांश को लिख सकते हैं, उसका टेबल बना सकते हैं, उसके पैराग्राफ्स बना सकते हैं, उसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं, हमारा काम चल सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको हटा सकते हैं यहां से। देन हम बात करते हैं अंतिम रूपरेखा देना। तो अंतिम रूपरेखा देना, अंतिम रूपरेखा हम सारांश में नहीं देते हैं। यहां पे देखिए शब्द ही आया है, शोध के सारांश को कहा जाता है। तो जो शोध का सारांश होता है, अंतिम रूपरेखा वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि लास्ट में जो है सारांश के बाद में जो हम लोग प्रतिपादन करते हैं या जो निष्कर्ष देते हैं अपनी समस्या का या शोध के विषय वस्तु का, उसे ही जो है हम लोग अंतिम जो है वो रूपरेखा बोलते हैं, या लास्ट का जो हमारा क्रियाविधि होती है या लास्ट का जो हमारा कार्य होता है वो वही होता है जिसे हम लोग जो है प्रतिपादन के नाम से जानते हैं। तो अंतिम रूपरेखा देना ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो लास्ट हमारे सामने बचा सी, समस्या का मूल, यानी कि जो हमारी समस्या है, जो शोध के लिए हम लोगों ने जो समस्या आइडेंटिफाई की है, हम उसके कोर में जाते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो सारांश बनाते हैं। तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो समस्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, वहां से जब हम शुरू करते हैं और जब हम समरी रेडी करते हैं तो अल्टीमेटली हम जो समस्या है उसी के ऊपर तो चल रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं, कोई अदर टॉपिक नहीं उठा रहे हैं, किसी और विषय वस्तु पर कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी और विषय वस्तु के लिए नहीं सोच रहे हैं, जो हमारी समस्या है उस समस्या के कोर में ही तो हैं हम लोग। तो समस्या का मूल, ये जो हमारा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, और इस समस्या के मूल में ही हम क्या करेंगे, उसको अंतिम रूपरेखा भी दे देंगे और अगर इच्छा होगी तो नक्शा भी बना लेंगे, ठीक है। सारांश के अंदर क्या करेंगे हम लोग, समस्या के मूल में चलेंगे और इस समस्या के मूल में यानी कि प्रॉब्लम के कोर में जब हम जाते हैं तो हम उसको रूपरेखा भी दे देंगे अंतिम तरीके की, और हम नक्शे को भी जो है वो बना सकते हैं अगर हम लोग इसके मूल में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस जो है आपके आते रहते हैं, और टाइम टू टाइम इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग अवॉइड मत किया कीजिए, करने का प्रयास किया कीजिए। जितना आप प्रयोग में लेंगे, जितना आप प्रायोगिक रूप से इस तरीके के कार्यों को करेंगे, कहीं ना कहीं आप जो है वो सफलता के ओर अपने आप को अग्रसित करेंगे। कहीं ना कहीं आपके जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, जो आपके एक मन में विचलन वाली जो बात चलती रहती है ऑप्शंस को लेकर के, आपकी एक हैबिट बनेगी कि आप एक एक ऑप्शन का जो है वो एनालिसिस करके प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।